किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी चाहता है और इसी बात को लेकर वो दिल्ली तक आना चाहता था और सरकार से, मोदी सरकार से अपनी बात रखना चाहता था। हमारे साथ हरियाणा से कांग्रेस के एकमात्र सांसद और कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य दीपेंद्र हुड्डा है। यही बात किसान लगातार कह रहे हैं, हालांकि हरियाणा की मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक जीवन से वो अलग हट जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन बावजूद इसके किसान उनकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे। देखिए, क्योंकि वो जुबानी बात है, कानूनी दृष्टि से जो तीन कानून आए उसमें कहीं भी MSP का जिक्र नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र तक भी नहीं है। यही जुबानी बात खट्टर साहब ने अभी बड़ौदा उपचुनाव में एक हफ्ता पहले भी कही थी, 10 दिन पहले, मगर वहाँ लोगों ने, किसान ने, गरीब ने उनकी बात को पूरी तरह से नकारने का काम किया, खारिज करने का काम किया। उसी दिन उनको सबक लेकर, हरियाणा की सरकार को सबक लेकर केंद्र सरकार के पास आ जाना चाहिए था कि इन तीनों कानूनों में व्यापक संशोधन लाए जाएं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का प्रावधान किया जाए, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और उस जनादेश को ठुकराने का उन्होंने काम किया। और अब किसान आंदोलन को भी ये दरकिनार करते हुए कि कह रहे हैं कि किसान आंदोलन, ये किसान नहीं है, ये विपक्षी पार्टी, किसान है, कोई राजनीतिक दल नहीं है इनके साथ। अगर ऐसा होता तो क्यों आपके, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अकाली दल भी कांग्रेस में शामिल हो चुका है? क्यों हरसिमरत बादल जी ने इस्तीफा दिया सरकार से? सरकार बताए और आत्ममंथन करे, तुरंत बातचीत के द्वार खोले जाएं और तुरंत कानूनी प्रावधान, न्यूनतम समर्थन मूल्य की निजी खरीद पर गारंटी का प्रावधान की घोषणा तुरंत की जाए। दीपेंद्र जी, पिछले 2 दिनों से जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, पूरे दिल्ली की सीमा को छावनी में तब्दील कर दिया गया। दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार से कह रही है कि स्टेडियम को जेल बना दिया। दिल्ली पुलिस नहीं, पूरे हरियाणा को छावनी में तब्दील कर दिया गया, ये हरियाणा सरकार की हकीकत है। कल मैं भी बहुत सी जगह हरियाणा के अंदर, रोहतक में, सोनीपत में, कई जगह मैंने जाके देखा स्वयं, जितने भी टोल प्लाजा थे, जितने भी बॉर्डर थे, उनमें इतनी फोर्स की डिप्लॉयमेंट हमने नहीं देखी। क्या ये अपराधी आ रहे हैं? क्या ये जो है, इन पे आप किस तरीके से इनसे आप व्यवहार कर रहे हैं, बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं? किसानों के आंखों में तो पहले ही बहुत आंसू हैं, आप आंसू गैस छोड़ रहे हैं, जेल बना रहे हैं क्या कि किसानों को जेल में डालने के लिए? कोई जेल इतनी बड़ी नहीं देश में जो किसान को रोक सके। किसान अपनी जायज़ हक के लिए ये लड़ाई लड़ रहा है, ये शांतिप्रिय तरीके से एक आंदोलन के रूप में लोग आ रहे थे। सरकार ने क्यों नहीं इनसे बातचीत करने का के दरवाजे खोले? क्यों एक ते एक और तो अभी चुनाव था, उपचुनाव हरियाणा के अंदर, इसी हरियाणा में मुख्यमंत्री जी और सारी भाजपा, सारी जजपा अपने बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियाँ कर रहे हैं। 3 दिन पहले JJP ने मेवात के अंदर एक किसान रैली के नाम पे एक रैली करी, अभी 100 किसानों को इकट्ठा किया गया उस रैली के अंदर, उनको इजाज़त। जो किसान अपनी बात रखें सरकार के कानून के खिलाफ अगर आवाज़ उठाएं, तो उस आवाज़ को कुचलने की कोशिश, किसान की आवाज़ को यूं कुचलने नहीं दिया जाएगा। आपको लगता है बड़ौदा का जो बाई इलेक्शन था वो एक आई वॉश होना चाहिए था सरकार के लिए, बावजूद इसके खट्टर सरकार जाग नहीं रही है और मोदी सरकार तक ये पैगाम नहीं भेज रही कि किसान उनकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे? 100% हरियाणा की सरकार को एक बड़ा सबक बड़ौदा से लेना चाहिए था, इन कानूनों को लेकर तुरंत सरकार को दिल्ली में पहुंच जाना चाहिए था। आप देखें पंजाब के अंदर अकाली दल ने भी सरकार समर्थन वापस कर लिया, हरियाणा के अंदर भी एक JJP बैठी है सरकार के समर्थन में, उनको भी तुरंत समर्थन वापस ले लेना चाहिए था हरियाणा बड़ौदा के उपचुनाव के नतीजे के बाद। मगर हरियाणा में चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, चाहे वो उप मुख्यमंत्री जी हों, चाहे भाजपा हो, चाहे जजपा हो, उन्होंने किसान की ना परवाह करी मगर अपनी कुर्सी की परवाह करी और आने वाले समय में ये उनको महंगा पड़ेगा। तो साफ तौर से दीपेंद्र हुड्डा जी का कहना है कि आने वाले वक्त में यही किसान अब सरकार को जवाब देंगे और ख़ासतौर से जो किसान यहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं, सरकार से बातचीत करना चाह रहे हैं, उनके लिए दरवाजे खोले जाने चाहिए। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।